তীব্রমতা দলের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠক। রবিবার রাজধানী উজ্জয়িনী প্রেসে তীব্রমতা দলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তীব্রমতা দলের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং অনিমেষ দেববর্মা সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা। এদিন বিভিন্ন আঞ্চলিক দল ছেড়ে তীব্রমতা দলে যোগদান করে আঞ্চলিক দলের নেতৃত্ব সহ মহিলা নেতৃত্বরা। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, আগামী 5ই মার্চ বিশ্বঙ্গঞ্জ দেওয়ানবাজারে তীব্রমতা দলের পক্ষ থেকে একটি মিছিল সংগঠিত হবে এবং অন্য একটি আঞ্চলিক দল তীব্রমতা দলের সাথে যুক্ত হবে এবং ওই দিনের কর্মসূচিতে আইপিএফটি নেতৃত্ব থাকবে বলে জানান। First of all, I welcome the entry of senior leaders to Tibramatha. मैं इनका स्वागत करता हूँ। Second चीज़ है कि आने वाले दिन में हम लोग दूसरे पार्टी से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन में भी मैं होपफुल हूँ कि एक या दो पार्टी जो बहुत सीनियर पार्टीज हैं उनके साथ भी हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो एंड वी कैन वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन। जो पार्टीज अलायंस के अंदर नहीं भी आए वो मोस्ट लाइकली हमारे संग अलायंस में आकर आने वाले एडीसी इलेक्शन में एक संग फाइट करेंगे। आज हमारा ये इन्होंने त्रिपुरा मोर्चा ज्वाइन किया है, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि थनसेट टूटा है। हमें रीजनल पार्टीज को एक पार्टी से दूसरे पार्टी करने के लिए बहुत सेंट्रल पार्टीज ये ट्राई कर रहे हैं। आज अगर हमने अपने सीनियर लीडर्स को जगा दिया है त्रिपुरा मोर्चा में, इसके लिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो होल्डिंग पैटर्न रहे त्रिपुरा सा का, कोई नेशनल पार्टीज में कोई भी लीडरशिप अब नेशनल पार्टीज में नहीं जाए और अपने रीजनल आंचलिक पार्टीज में ही रहे, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। 5 तारीख को दीवान बाजार में विश्रामगंज में त्रिपुरा मोर्चा एक रैली कर रहा है, पब्लिक गैदरिंग है। हमने वहाँ में हमारे अलायंस पार्टनर आईपीएफटी को निमंत्रण किया है, वहाँ में हम होपफुल हैं कि और एक पार्टी हमें ज्वाइन करेगा। मैं मीडिया के थ्रू सबको बोलना चाहता हूँ कि 1:30 दीवान बाजार विश्रामगंज 5 तारीख ऑफ मार्च हमारा एक रैली होगा। उस रैली में मैं होपफुल हूँ कि सब लोग आएंगे। आईपीएफटी को मैंने ऑफिशियली आज मैं उनको निमंत्रण देने वाला हूँ, उसमें एनसी देवर्मा, मेवार जमंतिया, उनके जो भी सीनियर लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, सबको मैंने निमंत्रण किया है और हम लोग भी ये प्रोग्राम जैसे घुमघुम में हुआ था वैसे ही हम लोग ज्वाइंटली करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आईपीएफटी की लीडरशिप से बात करूंगा और हम शॉर्टली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम लोग एक फंक्शनिंग करेंगे जहां में कोई हमारा इंटरेस्ट ओवरलैप ना हो और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी स्मूथली हमारे अलायंस को आगे ले जाएगा। आईपीएफटी भी अपने नॉमिनीज देंगे, हम भी अपने नॉमिनीज देंगे और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी अच्छे तरीके से अलायंस को चलाएगा। एनी क्वेश्चन आप? सर, खुमलुम की जो पब्लिक गैदरिंग होता है आपने ऐलान किया था कि वहाँ पर जो गेटर पिटरलिंग के बारे में आप सरकार से बात नहीं करेंगे, हम टू टॉक विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आप लोग कब जा रहे हैं और कब इस नहीं, अगर वो लोग निमंत्रण देंगे तभी जा सकते हैं। मैंने कहा कि अगरतला में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगरतला में बात करने से सिर्फ बात होता है आप इतना सीट लो, आप उतना सीट लो, कुछ चीज़ होता है जो आइडियोलॉजी में चला जाता है। मैंने बोला है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर को हमारे बारे सोचना चाहिए और वो हमें एक सोल्यूशन दे। मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़े दिन में आप से मिलकर मैं दिखाऊंगा। मैंने तो आज ट्वीट भी कर दिया मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट किया है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारा बात ठीक तरीके से सुने तो ये पॉसिबल है। हम इसको पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रगल तो है ही, लेकिन इसको कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिजर्व करने के लिए कोशिश करते हैं। और अगरतला में जो भी बात होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल होता है। हम चाहते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको समझे और इसको एक वन टाइम सोल्यूशन करें। हमें वन टाइम सोल्यूशन चाहिए
ये कांस्टेंट जो हमेशा होता रहा है कि इलेक्शन में एक दूसरे के संग लड़ो तो उसके बाद बात करो, ये सब से नहीं होगा। हमको त्रिपुरा पूरा, वी वांट त्रिपुरा टू बी पीसफुल, और इट कैन ओनली बी पीसफुल इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू लिसन टू इट्स पीपल। वी आर ऑल्सो इंडियंस, वी ऑल्सो हैव अ व्यू, और हमारा व्यू आप सुनिए। अगर आपको पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तभी भी सुनिए। आप तो दूसरे लोग से भी बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं करते, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं। तो अगर आप उनसे बात कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, तो हम तो हिंदुस्तान के लोग वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास करते हैं। अब हमारा बात सुनिए, यही बेहतर है। विजय रामकल से कल ही मेरा मीटिंग हुआ, अभी एक घंटे पहले बात हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि विजय रामकल हमारे संग आएगा। पाताल कन्या का आज मीटिंग है कुंभलू में, मैं उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अभी बात करूँगा। और मैंने पाताल कन्या के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और मैं क्योंकि हम दोनों ही NRC में हमने केस फाइल किया है, दोनों ही CA को अपोज कर रहे सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले से एक वर्किंग रिलेशनशिप है। पाताल कन्या का एक आइडियोलॉजी है कि वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं आना चाहती, उसका वोट बॉयकॉट का एक सिद्धांत है, मैं समझता हूँ। लेकिन पाताल कन्या को मैंने अपील भी किया है, पर्सनली भी अपील किया, आपके थ्रू भी मैं अपील कर सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बना के देखना चाहते हैं, आज वो तो हुआ नहीं। लेकिन आज क्योंकि EDC में 80% तो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, तो उसके खातिर अगर वोट बॉयकॉट ना करके हमारे थानचा को सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा है। IPFT-র সঙ্গে জোটে কি কোনো ধোয়াশা রয়েছে? গতকালকে NCD বলছিল যে বিজেপির জন্য নাকি ওদের এখনো দরজা খোলা আছে এরকম। না, আমার তো কিছু, আমার সঙ্গে বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স হয়নি। IPFT বলছিল উনি আপনার IPFT-র সব কথা বলে, আমি IPFT-র আপনাদের জোট ঠিক আছে? আমার জোট একদম ঠিক আছে, আমার জোট একদম ঠিক। কালকে দেখা হয়েছে, আজকাল এক ঘন্টা পরে মেয়র সঙ্গে দেখা হবে, আমার জোট একদম পারফেক্টলি ফাইন। অনেক অনেকজন চাই কি আমার জোট সাকসেসফুল হোক না, এই আমাদের থানচা হয়নি 70 সাল দিয়ে, এই লিগে তো আজকে আমার এই পরিস্থিতি আছে। হাম সিফ ইউনিটি চাহতে, উই ওয়ান্ট পজিটিভ মেসেজ টু গো টু দ্য পিপল। পজিটিভ মেসেজ হে কি হাম লোক সব এক হে, হাম লোক আপনা পার্সোনাল সিটস পজিশনস কে বারে নেই পরবাহ কর রহে, হাম লোক এক হোকর ইয়ে ইলেকশন লড়েঙ্গে, ইয়ে ভয়েস এক আওয়াজ সে দিল্লি যায়গা और दिल्ली हमको समझेगा। हमेशा वायलेंस ले करके बंदूक उठाकर दिल्ली आवाज़ पहुंचना ज़रूरी नहीं है, डेमोक्रेटिकली वे भी ये सबसे अच्छा है। और अगर डेमोक्रेटिकली हम लोग ने एक सब मैसेज भेजा दिल्ली को, तो दिल्ली भी सुनेगा हाँ क्यों क्या बात हो रहा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। कितने लोग और कहाँ से आप लोग पार्टी में ज्वाइन किया? ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে স্পেশাল ধামাকা অফার নিয়ে এলো CBC কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। যে কোনো কোর্সের সাথে রয়েছে 90% ছাড়ের সুযোগ। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন 7005055129 অথবা 8732097407 এই নম্বরে, অথবা যোগাযোগ করুন পেচারতল হাসপাতাল রোড আমাদের CBC প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। CBC makes your career ahead. ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस 18।